गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट साइकिल जो कि है एस्ट्रल साइकिल। लास्ट लेक्चर में हमने किया था मेंस्ट्रुअल साइकिल, मोनोपोज के बारे में डिस्कस किया था। आज जो है हम अपना नेक्स्ट साइकिल है वो है एस्ट्रल साइकिल। इनके डिफरेंसेस भी देखेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो एस्ट्रस कई बार इसमें ओ लगाते हैं विच इज़ अ साइलेंट, और कई बार किसी किसी बुक्स में जो ओ है वो आगे नहीं दिया होता, तो वो हैव द सेम मीनिंग एस्ट्रस। एस्ट्रस का मतलब क्या है? एस्ट्रस का मतलब होता है ऐसा पीरियड इन द सेक्सुअल साइकिल ऑफ द फीमेल मैमल्स एक्सेप्ट द हायर प्राइमेट्स ड्यूरिंग विच दे आर इन हीट। हीट मतलब, और हीट का हम हीट पीरियड भी बोलते हैं। हीट पीरियड का क्या मतलब है? दैट मीन्स रेडी टू एक्सेप्ट अ मेल एंड टू मेट। तो एस्ट्रस का मीन्स है कि सेक्सुअल साइकिल जो होता है फीमेल मैमल्स में, हायर प्राइमेट्स को छोड़कर जितने भी और फीमेल मैमल्स हैं। हायर प्राइमेट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे हम ह्यूमंस हो गए, ठीक है, मंकीज हो गए, एप्स हो गए, हम लोग हो गए हायर प्राइमेट्स। प्राइमेट्स का मतलब क्या होता है? प्राइमेट्स का मीन्स है कि हमारे अंदर जो ब्रेन्स हैं, मैमल्स तो जैसे डियर भी मैमल्स आ गया, शीप भी मैमल है, ये सब मैमल्स हैं ना, लेकिन उनमें हायर और लोअर में क्या फ़र्क है? जो हायर प्राइमेट्स हैं दैट मीन्स जो ह्यूमंस हैं, उनका जो ब्रेन है वो डेवलप है, वेल डेवलप है एज़ कम्पेयर टू लोअर प्राइमेट्स, एज वेल एज़ उनके जो बॉडी के स्ट्रक्चर हैं, उनके फीचर है, जैसे थंब प्रेजेंट है, ठीक है, उसके ऐसे बहुत से फीचर्स हैं जो इनको अलग करते हैं हायर प्राइमेट्स को लोअर प्राइमेट्स से। तो ये जो एस्ट्रल साइकल्स होता है ये बेसिकली लोअर प्राइमेट्स भी हम कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हायर प्राइमेट्स हैं उनको छोड़ के जितने भी फीमेल मैमल्स हैं उनके अंदर ये होता है। होता क्या है? ये होता है एक हीट पीरियड। हीट पीरियड क्या होता है कि उस टाइम पे जो मेल होता है और जो फीमेल है आपस में मेटिंग कर सकते हैं, मेटिंग पीरियड होता है। तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स क्या होते हैं? सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड कर सकते हैं, ऑल ओवर ईयर वो रेडी नहीं होते फॉर द ब्रीडिंग। तो ब्रीडिंग सीजन क्या होता है? इज ऑटमन फॉर द शीप एंड स्प्रिंग एंड ऑटम बोथ फॉर द बिचेस। कुछ मैमल्स ऐसे हैं जैसे काऊ है, बफेलो है, इसमें पूरा साल ही ये ब्रीडिंग सीजन चलता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एस्ट्रस साइकिल और हीट पीरियड क्या है? दिस पीरियड ऑफ सेक्सुअल रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ फीमेल इज कॉल्ड अ हीट पीरियड एज वेल एज द एस्ट्रस साइकिल। इट जनरली ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, दैट मीन्स अगर हम एग्जांपल लें इसका 18 और सिन काउस, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है ये। इट फॉलोड बाय द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस का क्या मतलब होता है? इन एक्टिविटी ड्यूरिंग विच फीमेल डज नॉट कॉपुलेट विद द मेल। तो ये क्या है? एक इनएक्टिव पीरियड भी होता है, इनएक्टिव पीरियड होता है सो दैट उस टाइम पे जो मेल है फीमेल है आपस में मेटिंग नहीं कर पाते। इनएक्टिव पीरियड होता, ऑस्ट्रस साइकिल इज़ ए एक्टिव पीरियड, मतलब ये फॉलोड करता है, मतलब पहले इनएक्टिविटी होगी और उसके बाद जब एस्ट्रस साइकिल चलेगा सो उस टाइम पे क्या होगा? एक्टिविटी शो होगी। मोस्ट ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स कैसे होते हैं? मोनो एस्ट्रस होते हैं। मोनो एस्ट्रस का क्या मतलब होता है? कि जो एस्ट्रल साइकिल है वो सिंगली, मतलब साल में एक ही टाइम पे चलेगा, पूरा साल नहीं चलेगा या फिर बहुत ही लॉन्ग इंटरवल्स के बाद चलेगा। दैट इज़ ए शीप और डियर इसका एग्जांपल है। रैट माइस जो हैं वो ब्रीड कर सकते हैं फ्रिक्वेंटली एज एवरी 5 डेज। उसके अलावा जो गायना पिग है वो एवरी 15 डेज के बाद जो है वो मेट कर सकते हैं। सो दैट उसे हम बोलते हैं पोली एस्ट्रस पीरियड और पॉली एस्ट्रस साइकिल। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द एस्ट्रस साइकिल। ये एज सच इस पर नोट आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, पर हाँ एक डेफिनेशन, एज अ डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, इसके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एस्ट्रस साइकिल है क्या। एक पीरियड है सेक्सुअल रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ फीमेल का, कि जिस टाइम पे जो फीमेल है, फीमेल बेसिकली मैमल्स और लोअर प्राइमेट्स, उनके अंदर एक हीट पीरियड होता है और ब्रीडिंग टाइम बोल सकते हैं, ब्रीडिंग टाइम होता है, उसे हम एस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। और कई बार एक नंबर में ऐसे भी आपसे एग्जांपल लेके पूछ सकते हैं कि काऊ में किस तरह का पीरियड होता है या फिर कितने घंटे का होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस कि मेंस्ट्रुअल साइकिल और एस्ट्रस साइकिल में मेन डिफरेंस क्या है।
जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है बच्चे, ये होता है इन प्राइमेट्स, ओनली इन प्राइमेट्स, ओके। और जो ऑस्ट्रल साइकिल है ये होता है इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स, ठीक है, और दोनों फीमेल के अंदर ही रहा है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के एंड में मेंस्ट्रुएशन होगी एट द एंड ऑफ द साइकिल, और एस्ट्रल साइकिल में मेंस्ट्रुएशन नहीं होती। तो हम इससे ये भी पता लगा सकते हैं कि जो लोअर मैमल्स होते हैं, सॉरी जो लोअर प्राइमेट्स होते हैं, उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, उनके अंदर एस्ट्रल साइकिल चलता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा तो क्या होगा, एंडोमेट्रियम जो यूट्रस की लाइनिंग होती है वो शेड होती है आउट एज अ मेंस्ट्रुअल फ्लो, एज अ ब्लड जो एंडोमेट्रियम एक लेयर है वो क्या करेगी, शेड हो जाएगी। लेकिन एस्ट्रल साइकिल में क्या होगा, पीरियड्स नहीं आएंगे तो एंडोमेट्रियम का क्या होगा, वो जो लेयर है वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाएगी, यूट्रस के अंदर ही रीअब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये बहुत ही हम कह सकते हैं मेन करैक्टरिस्टिक फीचर है इन दोनों का। कॉपुलेट करते हैं एनी टाइम ऑफ द ईयर, जो जिसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले जो मैमल्स होते हैं, प्राइमेट्स होते हैं, वो किसी भी टाइम जो है वो कॉपुलेट कर सकते हैं। लेकिन जो एस्ट्रल साइकिल वाले होते हैं वो सिर्फ अपने हीट पीरियड के, जो उनका सीज़न होता है ब्रीडिंग टाइम का, उस टाइम पे ही वो मेटिंग के लिए कैपेबल है और वी कैन से और इंटरेस्टिंग होते हैं। सो दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज द एस्ट्रल साइकिल। आई होप सभी को ये कंसेप्ट क्लियर होगा। जो इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो है फर्टिलाइजेशन, उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। आज आप अपना ये जो साइकिल्स तक का जो आपका चैप्टर है, यू हैव टू फिनिश टिल द एस्ट्रल साइकिल। कोई भी प्रॉब्लम बच्चे आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। कल से हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारी चीज़ें हैं, जैसे फर्टिलाइजेशन होगी, आगे हम ब्लास्टुलेशन के सोलेशन वगैरह करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम लोग शुरू करेंगे। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे।